हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आरके श्री प्लेट में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टैटिक जीके जिके संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा एक एक टॉपिक करके हम लोग सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक जिके से उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है भारत के प्रथम पुरुष एवं महिला चलिए देखते हैं प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेटिंग स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड मॉन्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाल आचार्य प्रथम वायसरा एवं अंतिम गवर्नर लॉर्ड केनिंग भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल फिज राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से बासठ उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला है महिला राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्नीस सौ छियासठ उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई राज्यपाल महिला सरोई नायडू उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपानी उत्तर प्रदेश लोकसभा अध्यक्ष जी वी लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम मयंगर आगे देखते हैं आगे है राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट अलवा विपक्ष नेता राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी विपक्ष नेता लोकसभा राम सुभक सिंह अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा सचिदानंद सिन्हा प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा फील्ड मार्शल जनरल मौनिक चलिए आगे देखते हैं अगला है थल अध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी मुख्य न्यायाधीश तो हो जाएगा हीरालाल जय महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट का सैयद महमूद महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट का अन्ना चंडी महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का हो जाएगा लीला सेठ हिमाचल प्रदेश प्रथम आई महिला अन्ना जॉर्ज आगे है प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय आई हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम आई महिला किरण बेदी प्रथम महिला सचिका रजिया सुल्तान प्रथम अध्यक्ष यूएनओ एन पंडित वित्त आयोग अध्यक्ष के सी नियोगी एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल अगला है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला अगला है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय महिर सेन उन्नीस ईस्वी इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 थ्री तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग ठीक है तो इसमें है वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोवल संबंधी जितनी बीमारी होते हैं उनके बारे में तो है पहला है वायरस वायरस से होने वाले रोग है चेचक रेबीज ज़ुकाम पोलियो इन्फ्लुएंजा खसरा हरपीज डेंगू डेंगू ज्वर मैनजाइटिस इबोला एड्स चिकनगुनिया और कंजक कंजक्टिवाइटिस ठीक है उसके बाद है बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी कौन से कौन से होंगे तो टिटनेस प्लेग हैजा रोग, टाइफाइड तपेदिक डिप्थेरिया गोनोरिया, काली खांसी निमोनिया कुष्ठ रोग फिर है प्रोटोजोगा से संबंधित तो है मलेरिया पैरिया सोने की बीमारी पेचिस कालाजार उसके बाद फफूंदी संबंधित तो गन गं, गंजापन एथलीट फूड दाद खाज और दाद ठीक है दमा खा दमा खाज और दाद चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक है विभिन्न रोगों से संबंधित और उनके प्रभावित होने वाले अंग सबसे पहले है निमोनिया तो निमोनिया में देखिए कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया हो गया ट्यूबरकुलोसिस हो गया जिसको छह रोग ठीक है बोलते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया और कुकुर खांसी इस या फिर तपेदिक इन सारी बीमारी में जो है फेफड़ा प्रभावित होता है अगला है आँच से प्रभावित होने वाली बीमारियाँ तो हो जाएगा हैजा टाइफाइड पेचिस ठीक है डायरिया ये सब हो जाएगा उसके बाद तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग तो हो जाएगा पोलियो रेबीज मिर्गी टिटनेस ठीक है उसके बाद मसूड़ा को प्रभावित करने वाले रोग अस्कर्वी और पायरिया उसके बाद यकृत को प्रभावित करने वाले रोग हेपेटाइटिस पीलिया उसके बाद है आर यानी कि रेड ब्लड कार्प्योस्कल को प्रभावित करने वाले रोग तो हो जाएगा मलेरिया प्लेग उसके बाद है अग्नाशय पेंक्रियाज को प्रभावित करने वाले रोग हो जाएगा मधुमेह डायबिटीज उसके बाद है अस्थि मज्जा ठीक है अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले रोग कालाजार उसके बाद है श्वास नली को डिप्थेरिया अस्थमा दमा ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला है घेंगा ठीक है देखिए इसमें जो है थायराइड या फिर गला प्रभावित हो जाता है घेंगा गाइटर से उसके बाद है आँख आँख को प्रभावित करने वाले जो बीमारी होता है उसको उसमें से कौन कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा ट्रेकोमा ग्लूकोमा और फिर मोतियाबिंद ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत ठीक है एक तरफ अम्ल है दूसरा तरफ से स्रोत है देखिए फॉर्मिक एसिड किसमें किस पाया जाता है तो हो जाएगा लाल चीटियाँ बिच्छू के डंग उसके बाद है कम तो खट्टे फलों जैसे कि नींबू संतरा ये सब में हो जाएगा ठीक है अगला है बेंजोई कम तो घास पत्ते मूत्र ये सब में होता है ऑक्जेली कम तो सारेल का वृक्ष या फिर टमाटर उसके बाद है एसिटिक अम्ल फलों का रस सिरका नाइट्रिक अम्ल फिटकरी सोरा सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशीस टाटरी अम्ल इमली अंगूर लेक्टिक अम्ल दूध उसके बाद है उसके बाद है यूरिया ठीक है यूरिक अम्ल तो यूरिकम जो होगा वो मूत्र में होता है ठीक है उसके बाद देखते हैं तत्व एवं उनके अपरूप देखिए कार्बन का अपरूप कौन कौन सा हो जाएगा हीरा ग्रेफाइट कोक कोलतार उसके बाद है सल्फर सल्फर जो है क्या हो जाएगा रोम्बिक उसके बाद है मोनोक्लाइनिक ठीक है उसके बाद है फास्फोरस तो उसका उसका हो जाएगा पीला उसके बाद है लाल फास्फोरस ठीक है ये सब जो है उसके अपरूप है तत्व है फास्फोरस का और उसका अपरूप हो गया चलिए आगे देखते हैं अगला जो है विदेशी सहायक सहायता से स्थापित स्टील प्लांट देखिए सबसे पहले है बोकारो स्टील प्लांट स्थापना वर्ष है इसका उन्नीस सौ चौसठ है ठीक है इसका स्थापना झारखंड में हुआ था और सहयोगी देश जो है इसका वो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ जिसको हम लोग यू बोलते थे उसके बाद है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ उन्नीस सौ पचपन ईस्वी पूर्व सोवियत संघ ये भी हो जाएगा उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा उन्नीस सौ उनसठ पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिमी बंगाल पश्चिम बंगाल इसका जो हो जाएगा नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में स्थापना हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला है विश्व में प्रथम ठीक है विश्व में प्रथम प्रथम महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा मेरिया एसाबेल पेरोन जो कि अर्जेंटीना की थी उसके बाद है प्रथम महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायक है श्रीलंका की उसके बाद है उत्तर ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति तो हो जाएगा रॉबर्ट पियर है यूएसए का ठीक है अगला देखते हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रांस फ्रिस ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला क्या हो जाएगा केरोलिन मिकेलसेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोलान्ड एमनसेन नार्वे का उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी केरी उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे एवं एडमन हिलेरी उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुम्को तेबई जापान की चलिए आगे देखते हैं अगला है विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला ठीक है आगे देखते हैं देखिए अगला है विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला आ, वाला व्यक्ति तो हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन उसके बाद है नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी उसके बाद है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनैक्जी मेंडर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तहसीला विश्वविद्यालय भारत किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के थी यूएनओ का प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित इंग्लैंड का प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गेट थेचर इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल संविधान निर्माण करने वाला देश पहला अमेरिका आगे है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉर्ज जॉन एडम्स राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला देश जापान कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला तो जाएगा चीन युद्ध युद टैंक निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता देश ब्रिटेन चलिए आगे देखते हैं उसके बाद है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रसा ब्रिटेन की पहली रानी जेन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश अमेरिका यूएनओ के प्रथम महासचिव रिक वेली जो कि नॉर्वे के थे संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक है भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य एक तरफ पुस्तक होगा उस दूसरे तरफ से होगा लेखक ठीक है अष्टाध्यायी पानिनी इंडिका मेघास्थनिज मेघदूत या फिर कुमार संभव कालिदास बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास मुद्राक्षस विशाखदत्त दत्त हाइफ आलाइफ वी एस कामसूत्र वातास्यान चलिए आगे देखते हैं अगला है राजत राज कलहन हर्षचरित या फिर कादम्बरी वानभट्ट पंचतंत्र विष्णु शर्मा गीत गोविंद जयदेव पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई स्पीड पोस्ट सोभा दे सहनामा फिरदौसी, आयने अकबरी अबुल फजल का राजशेखर बाबर नामा बाबर अकबर नामा अबुल फजल हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ठीक है अगला देखते हैं मिलिंद पन नागसेन बुध चरितम अश्वघोष पाथेर पंचाली वी बंदोपाध्याय, मालगुड़ी डेज गाइड के लेखक हो जाएगा आर के नारायण विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास भारत भारती या फिर साकेत मैथिली शरण गुप्त यामा महादेवी वर्मा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी सूर्य का सातवा घोड़ा धर्मवीर भारती यंग इंडिया महात्मा गांधी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष डिवाइन लाइफ शिवानंद ठीक है आगे है भारत की खोज ठीक है भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई इंटरनल इंडिया माई इंदिरा गांधी तमस भीषमसानी इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद गीतांजलि या फिर गोरा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर सत्यात प्रकाश दयानंद सरस्वती गोदान या फिर गबन या फिर कर्मभूमि, हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र माई एक्सपेरिमेंट विथ ध्रुथ महात्मा गांधी विंग्स ऑफ फायर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है आगे है इग्नाइट माइंड एपीजे अब्दुल कलाम माई प्रेसिडेंशियल ईयर हितोपदेश हो जाएगा देखिए माई प्रेसिडें माई प्रेसिडेंशियल ईयर का हो जाएगा आर वेंकट रमन ठीक है हितोपदेश नारायण पंडित आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ मालती माधव भावभूति आ पैसेज टू इं, इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है विदेशी पुस्तक एवं उनके लेखक द रिपब्लिक प्लेटो हैरी पॉटर जेके रोलिंग दास कैपिटल कार्ल मार्क्स स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला डिवाइन लैब दाते वार एंड पीस लियो स्टैप ओरिजिन ऑफ स्पेसिस चार्ल्स डार्विन मीन कैम्प मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर चलिए आगे है मदर इंडिया कैथरीन मेयो मदर इंडिया कैथरीन मेयो मदर मैक्सिम हो जाएगा मदर का हो जाएगा मैक्सिम वोर ठीक है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिंटन पैराडाइज रिगेन जॉल मिंटन, द प्रिंस मकैयावली पॉलिटिक्स अरस्तु, अटेल ऑफ सीरीज अटेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेन माय लाइफ द रोड आहेड, बिल किंटन, अ पैसेज टू इंडिया ई एम पोस्टर वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ प्रिसेम्पिया न्यूटन अगला है एशियन ड्रामा एशियन ड्रामा गुरु नान हेमलेट या ओथेलो शेक्सपियर मैकबेथ, शेक्सपियर द फोर्थ स्टेट, जेफ्रिया आर्चर ठीक है जेफ्री आर्चर मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान द देंटनिक वर्सेज सलमान रुद्दी लोलिता ब्लादमिर नवाकोव जुरासिक पार्क माइकल क्रिश्चन द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर डायना आ डायना आ ट्रूट टीम ग्राहम द ऑडेसिटी ऑफ होप ब्राक ओमामा चलिए आगे है हाफ आ लाइफ वी एस नाइपल हाफ आ लाइफ वी एस नाइपल अनटचेबल मुल्क राज आनंद अरेबियन नाइट्स सर ब्राटन एक्सपेरिमेंट विथ अन ट्रूथ माइकल एडरसन गुड अर्थ पाल एसबर्ग गुलीवर्स ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट इनसाइड एशिया जॉन गुंथर द मास्टर्स सीपी स्नो नाइट नाइन डेज वांडर जॉन मेसफील्ड वेकअप इंडिया एनी बेसेंट ओडिसी एलियड होमर अगला है मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बनाड्सा मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बनाड्सा द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट डायना मॉस्की द सोशल कंटेंट रूसो पेयर वेल टू इंडिया एडवर्ड थॉम्पसन ऑन कंट्राडिक्शन माओ तसे तुम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की द ग्राउंड बनीथ सलमान फिट सलमानी द जोफ्रा द द प्रोफेसर चेरियट ब्रांटे चलिए अगला है प्रमुख संगठन संगठन है संस्थापक है और उसका वर्ष है ठीक है पहला है आत्मीय सभा देखिए पहला देखते हैं तो पहला है आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 सौ ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय अठारह यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो अठारह सौ छब्बीस सभा देवेंद्र नाथ टैगोर अठारह प्रार्थना समाज डॉक्टर राम आत्मारंग पांडुरंग अठारह सौ आर समाज स्वामी दयानंद सरस्वती अठारह सौ पचहत्तर थियोसोफिकल सोसाइटी एच पी एचपी एच पी 1875 अठारह सौ पचहत्तर सोसाइटी अकन अकर्नल अलकट ठीक है इसका डेट नहीं दिया हुआ है आगे देखते हैं रामकृष्ण देखिए अगला प्रश्न है रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद अठारह सौ सन्तानवे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले अठारह सौ तिहत्तर विश्व भारती रविन्द्र टैगोर उन्नीस सौ बारह फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस उन्नीस सौ उनतालीस स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू उन्नीस सौ तेईस खुद, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान उन्नीस ठीक है आगे है होम रूल लीग तो जाएगा एनी बेसेंट अगला है होम रूल लीग एनी बेसेंट उन्नीस सौ सोलह इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस अठारह सौ छिहत्तर आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर अठारह सौ छियासठ हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय उन्नीस सौ पंद्रह भारतीय संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी अठारह सौ छिहत्तर सोसाइटी सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी हो जाएगा विलियम जोन्स सत्रह सौ चौरासी सर्वेंट ऑफ ए, ए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले उन्नीस सौ पाँच गदर पार्टी लाला हरदयाल उन्नीस सौ तेरह अभिनव भारत बी डी सावरकर ठीक है क्या हो जाएगा अभिनव भारत बी डी सावरकर उन्नीस सौ चार मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्ला उन्नीस सौ छः खिलाफत आंदोलन अली बंधु उन्नीस सौ उन्नीस आजाद हिंदौज राज बिहारी बोस उन्नीस सौ बयालीस ठीक है चलिए आगे है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ठीक है देखिए एक तरफ है परियोजना फिर है नदी उसके बाद है राज्य भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो हो जाएगा सतलज और व्यास दोनों के संगम पर हो जाएगा राजस्थान हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश फरक्का परियोजना गंगा नदी भागीरथी पश्चिम बंगाल काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात रिहन परियोजना रिहान नदी उत्तर प्रदेश इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल अगला है टिहरी बांध ठीक है टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड कोयना कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र सलाल परियोजना चेनाब नदी कश्मीर स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु तेनुघाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड ठीक है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक ठीक है आगे देखते हैं मयूराक्षी मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी हो जाएगा पश्चिम बंगाल उसके बाद है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य ठीक है देखिए एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण और दूसरी तरफ है राज्य जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मानस अभयारण मानस वंजीय अभ्यारण असोम पेरियार वंजी अभ्यारण केरल रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम केवला घाना पक्षी बिहार राजस्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात ननकानन वंजी अभयारण्य उड़ीसा दांचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सिंपलीपार अभ्यारण उड़ीसा मधुमुलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु डंफा अभ्यारण मिजोरम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल कीबुल लेमन जावर राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मुहाना पहला है सिंधु नदी मानसरोवर झील अरब सागर में गिरती है ठीक है जहाँ मुहाना होगा गिरती वहीं पर ठीक है उसके बाद है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी खंभात की खाड़ी ठीक है वहाँ पर गिरती है उसके बाद ताप्ती नदी मुल्ताई जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश में है तो वी, ये भी नदी जो है ताप्ती कहाँ गिरती है तो खम्भा की खाड़ी में ठीक है अगला है यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर गंगा नदी रामगंगा नैनीताल के निकट गंगा नदी गंडक नैनीता गंडक नेपाल गंगा नदी कोसी सप्तकोश की नेपाल गंगा नदी सोन अमरकंटक की पहाड़ी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी महानदी सिवाहा मध्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी आगे है गोदावरी नासिक के निकट बंगाल की खाड़ी क्या है गोदावरी नासिक के निकट बंगाल की खाड़ी कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी बंगाल की खाड़ी गंगा गंगोत्री ग्लेशियर बंगाल की खाड़ी चंबल जानापाव पहाड़ी यमुना नदी चिनाब बारालाचा दर्रे ए, सिंधु नदी झेलम शेषनाग झील चिनाब नदी रावी रोहतांग दर्रे चेनाब नदी कृष्णा महाबलेश्वर बंगाल की खाड़ी लूनी नाग पहाड़ी अरावली अरावली की पहाड़ी कच्छ का करन में गायब हो जाती है ठीक है उसके बाद है व्यास नदी रोहतांग दर्रा सतलज नदी सतलज मानसरोवर झील चेनाब नदी उसके बाद है नील विक्टोरिया झील भूमत सागर में गिरती है ठीक है नील नदी कहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील और भूमत सागर में जा कर के उसका मुहाना है ठीक है अमेजन तो हो जाएगा लेगो विल फेरो अंटार्कटिक uh, महासागर में उसके बाद है हवांगो उसके बाद इसका कौन सा पर्वत से निकलती है तो जाएगा इसका क्यून uh, क्यूनुल पर्वत चिल्ही uh, सॉरी क्या है चिहिल खाड़ी ठीक है उसके बाद है डेन्यू ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत काला सागर वोल्गा अस्लाडाई पर्वत कैस्पियन सागर यांगसी तिब्बत का पठार चीन सागर कांगो ल्युलाया ठीक है उसका हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर ठीक है आगे देखते हैं अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर ठीक है अजंता एवं एलोरा के गुफाएं या फिर मंदिर कहाँ पे है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ठीक है शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान चार मीनार हैदराबाद हम्पी कर्नाटक चिल्का झील उड़ीसा एलिफेंटा दर्रा मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई जामा मस्जिद दिल्ली ठीक है अगला है डल झील श्रीनगर डल झील श्रीनगर निशांत बाग श्रीनगर शालीमार बाग श्रीनगर रॉक गार्डन चंडीगढ़ ठीक है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी सारनाथ वाराणसी महाबलीपुरम चेन्नई हेलबिड बे, बेलूर कर्नाटक सांची स्तूप भोपाल लिंगराज मंदिर उड़ीसा सूज मंदिर काला पैगोडा कोनार्क दक्षिणेश्वरी कोलकाता पश्चिम बंगाल दक्षिणेश्वरी मंदिर कहाँ हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल ठीक है चलिए आगे है सोमनाथ मंदिर गुजरात कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र तिरंबकम सॉरी त्रियांबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान उसके बाद है हौसलेश्वर मंदिर हेलविट कर्नाटक तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु ठीक है उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी मंदिर मदुरै ठीक है क्या हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर का मदुरै तमिलनाडु बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु नटराज मंदिर चिदम्बरम चितंग, तमिलनाडु वेंकटेश्वर मंदिर तिरु, तिरु तिरुपति आंध्र प्रदेश स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई ठीक है उसके बाद है विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल हवा महल जयपुर राजस्थान झूलता मीनार अहमदाबाद झूलता मीनार अहमदाबाद उसके बाद है प्रसिद्ध शासकों के मकबरे ठीक है एक तरफ है बाबर और मतलब सॉरी एक तरफ है शासक उसके बाद है मकबरा ठीक है बाबर का काबुल अकबर का सिकंदराबाद जहांगीर का लाहौर औरंगजेब का दौलताबाद हुमायूं का दिल्ली शेरशाह का सासाराम शाहजहाँ का आगरा और बेरू बाबरा का चंदेरी ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब है महत्वपूर्ण अनुच्छेद ठीक है पॉलिटिक्स से है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 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 एक संघ का नाम और राज क्षेत्र अनुच्छेद दो नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद बारह से पैंतीस मूल अधिकार अनुच्छेद चौदह विधि का समर्थ समानता सत्रह अस्पिरता का अंत उन्नीस का का प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद इक्कीस प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद तेईस बाल श्रम निषेध अनुच्छेद चौबीस बाल श्रम निषेध ठीक है उसके बाद है अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन राज्य के नीति निदेशक तत्व उसके बाद है अनुच्छेद चालीस अनुच्छेद चालीस हो जाएगा ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद इक्कीस का हो जाएगा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद इक्यावन का का मूल कर्तव्य अनुच्छेद बावन भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद चौवन राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद इकसठ राष्ट्रपति का पर महाभियोग अनुच्छेद बहत्तर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद चौहत्तर भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद उन, उनासी हो जाएगा संसद का गठन अनुच्छेद अस्सी इक्यासी राज्य और लोकसभा का गठन अनुच्छेद पचासी लोकसभा का विघटन अनुच्छेद एक संसद के संयुक्त अधिवेशन ठीक है चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद दो सौ चवालीस अनुसूचित अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र ठीक है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद दो सौ अस्सी विधि आयोग अनुच्छेद तीन सौ चौबीस निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद तीन सौ तीस अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद थ्री फोर्टी थ्री हो जाएगा संघ की राज्यसभा अनुच्छेद तीन सौ बावन हो जाएगा आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद तीन सौ छप्पन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद तीन हो जाएगा वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद तीन संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद सत्तर था जम्मू कश्मीर का विशेष था पहले ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख भाग ठीक है भाग एक हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद एक से चार में है अनुच्छेद उसके बाद है भाग दो नागरिकता संबंधित जो कि अनुच्छेद पाँच से ग्यारह है भाग तीन मौलिक अधिकार अनुच्छेद बारह से पैंतीस है भाग चार नीति निर्देशक तत्व तो, जो कि छत्तीस से इक्यावन है भाग चार का कहा मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद इक्यावन का कहा है भाग आठ केंद्रशासित प्रदेश केंद्र शासन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन ठीक है उसके बाद है अनुच्छेद पंद्रह निर्वाचन अनुच्छेद तीन सौ चौबीस से तीन सौ उनतीस तक भाग सत्रह भाषा अनुच्छेद थ्री फोर्टी थ्री से थ्री फिफ्टी वन अनुच्छेद अठारह आपात उपबंध अनुच्छेद तीन सौ बावन से तीन सौ साठ और अनुच्छेद बीस संविधान संशोधन जो कि तीन सौ अड़सठ है ठीक है आगे देखते हैं मूल अधिकार एवं उनके अनुच्छेद समानता का अधिकार अनुच्छेद चौदह से अठारह स्वतंत्रता का अधिकार उन्नीस से बाईस शोषण के विरुद्ध अधिकार ताईस से चौबीस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पच्चीस से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार उनतीस से तीस असंवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस से पैंतीस ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष अजंता की गुफा गुप्त शासक दो सौ ईस्वी पूर्व एलोरा की गुफा राष्ट्रकुरु के द्वारा चार सौ पचास से छः सौ पचास ईस्वी कांचीपुरम मंदिर पल्लव राजा छठी छठी सदी खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा नौ सौ पचास से दस सौ पचास ईस्वी कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा ग्यारह सौ निन्यानबे ईस्वी कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम तेरहवीं सदी हौज़ खास अलाउद्दीन खिलजी तेरह सौ पाँच ईस्वी हौज खास अलाउद्दीन खिलजी तेरह सौ पाँच ईस्वी उसके बाद है विजय अतंभ महाराणा कुंभा चौदह सौ अंठावन से अड़सठ ईस्वी आगरा फोर्ट आगरा द्वारा बनाया गया था पंद्रह सौ ईस्वी फतेहपुर सिकरी अकबर पंद्रह सौ ईस्वी चार मीनार कुली कुतुब शाह पंद्रह सौ ईस्वी निशांत बाग आशाफ अली सोलह सौ ईस्वी खास शाहजहाँ सोलह सौ ईस्वी ताजमहल शाहजहाँ सोलह से बावन ईस्वी जामा मस्जिद शाहजहाँ सोलह सौ ईस्वी मोती मस्जिद शाहजहाँ सोलह सौ छब्बीस सोलह सौ छियालीस से तिरपन ईस्वी लाल किला शाहजहाँ सोलह सौ सो अड़तालीस ईस्वी ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली अठारह सौ ईस्वी हवा महल महाराणा प्रताप सिंह ठीक है सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी उसके बाद है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखिए पहला है बैरोमीटर वायुमंडल दाब का माप अशेटोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनना कार्डियोग्राम हृदय गति का जांच हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मैनोमीटर पौधे की जड़ों के दाब के माप रेनगेज वर्षा का मापक रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का माप लेक्टोमीटर धूप की शुद्धता का माप फैदोमीटर समुद्र की गहराई का माप एनमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का माप ठीक है आगे देखते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर ठीक है हाइग्रोमीटर वायु का आर्द्रता की माप सिस्मोग्राफ भूकंप की माप भूकंप मापी यंत्र सेक्सटेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप अमीटर विद्युत धारा की माप ओडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्रेसोग्राफ पौधे की वृद्धि की माप टेकोमीटर वायुयान गति मापने में सिस्मो अस्वीमीटर रक्तदाप का मापक ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग देखिए अगला है मापक मापकों के पद्धति देखिए एक नोटिकल मील बराबर कितना होता है वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर एक माइक्रोन बराबर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मिली एक नैनो सेकेंड दस का घात नौ दस का घात माइनस नौ सेकेंड एक असोशक्ति सात असो सौ छियालीस वाट एक फैदम छः फीट या फिर फी वन पॉइंट एट मीटर जीरो डिग्री से सेंटीग्रेड बत्तीस फेरन हाइट और माइनस चार डिग्री फेरन हाइट बराबर माइनस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड आगे है समाधि स्थल एवं उनसे संबंधित लोग राजघाट महात्मा गांधी शांतिवन जवाहरलाल नेहरू विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री शक्ति स्थल इंदिरा गांधी वीरभूमि राजीव गांधी किसान घाट चौधरी चरण सिंह महापरियाण घाट राजेंद्र सिंह राजेंद्र प्रसाद अभय घाट मोरारजी देसाई समता स्थल जगजीवन राम उसके बाद है नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह चलिए आगे देखते हैं चैत्रा भूमि ठीक है क्या है भूमि चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर उदय भूमि के आर नारायणन कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा अगला है विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं आईएसआई किसका है पाकिस्तान का सीआईए और एफ किसका है यूएसए का आई बी सी किसका है भारत का नाइचो जापान अल, अल मुखबरात इराक रॉ किसका है भारत का सवाक किसका है ईरान का मोसाद तो इसराइल का मुखबरात मिस्र का और के जी बी और जी आर यू किसका है तो रूस का ठीक है अगला है प्रमुख चीन एवं उनके प्रतीक देखिए पहला है रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता के लिए लाल त्रिकोण परिवार नियोजन सफेद झंडा संधि या समर्पण लाल झंडा क्रांति खतरे का सूचक झुका झंडा राष्ट्रीय शोक संकेत काला झंडा विरोध का प्रदर्शन उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपता कबूतर शांति का प्रतीक वहां पर काली पट्टी शोक या दुख का प्रतीक चक्र प्रगति का प्रतीक ठीक है आगे देखते हैं अगला है विश्व के प्रमुख मरुस्थल विश्व के प्रमुख मरुस्थल अगला है सहारा उत्तरी अफ्रीका अरब त अरब प्रायद्वीप गोभी मंगोलिया कालाहारी बोतासवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका थार उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान अटकामा उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका चलिए आगे देखते हैं अगला है ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वाडोर मृत ज्वालामुखी किलीमंजारो तंजानिया परशुभ ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागर की पेटी ज्वालामुखी रहित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन भूमद सागर का प्रकाश स्तंभ अष्टाम्बोली विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मोनालोवा और है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ठीक है चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आई एम एफ उन्नीस विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं तो हो जाएगा वाशिंगटन उन्नीस सौ खाद्य खाद एवं कृषि संगठन रोम उन्नीस विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू जनेवा उन्नीस सौ पंचानवे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू मुख्यालय जनेवा उन्नीस सौ अड़तालीस ईस्वी गठन गेट जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका हो जाएगा जनेवा उन्नीस रेड क्रॉस जनेवा अठारह सौ जी एट हो जाएगा इसका मुख्यालय नहीं दिया हुआ उसके बाद इसका हो जाएगा डेट तो उन्नीस ठीक है अगला देखते हैं जी फिफ्टीन जी फिफ्टीन मुख्यालय हो जाएगा जनेवा उन्नीस सौ उनासी ठीक है उन्नीस सौ नवासी सॉरी उन्नीस सौ नवासी हो जाएगा उसके बाद अंगटान हो जाएगा जनेवा उन्नीस सौ एशियाई विकास बैंक जिसको ए बोलते हैं इसका मुख्यालय है मनीवा और उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी दक्षेस यानी कि सार्क हो जाएगा काठमांडू इसका मुख्यालय उन्नीस सौ पचासी ओपैक वियना उन्नीस सौ साठ इंटरपोल पेरिस उन्नीस सौ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग उन्नीस सौ तो आगे देखते हैं uh, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ तो हो जाएगा न्यूयॉर्क 1945 पैंतालीस एमनेसी इंटरनेशनल लंदन उन्नीस यूनेस्को पेरिस 1945 पैंतालीस यूनिसेफ हो जाएगा न्यूयॉर्क उन्नीस ठीक है आगे देखते हैं हम लोग इसरो पेरिस उन्नीस सौ चौंसठ आसियान हो जाएगा जकार्ता इसका मुख्यालय उन्नीस नाटो ब्रुसेल्स का मुख्यालय उन्नीस सौ कॉमनवेल्थ लंदन उन्नीस अरब लीग कहिरा उन्नीस अब है भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कहाँ पे है ठीक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से मैं अक्सर पूछा जाता है देखिए अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ औद्योगिक विश अनुसंधान केंद्र लखनऊ भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भारतीय मौसम वेदशाला ठीक है तो पुणे अगर मौसम विज्ञान संस्थान बोलेगा तो नई दिल्ली लेकिन मौसम वैधशाला बोल जाएगा यानी कि भारतीय मौसम वैधशाला बोलेगा तो पुणे अखिल भारतीय आयुर्व आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा कानपुर ठीक है आगे देखते हैं भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर भारतीय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद वन अनुसंधान संस्थान देहरादून केंद्रीय केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पंजी भारतीय खागोल संस्थान हैदरा बंगलौर आगे है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद अगला देखते हैं कि प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ यानी कि कौन सा खेल में कौन सा ट्रॉफी मिलता है ठीक है फीफा कप फुटबॉल फिफ फि फीफा कप क्या होगा इसका फुटबॉल हो जाएगा रोबर्स कप फुटबॉल आगा खाँ कप हॉकी आगा खां कप हॉकी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट थॉमस कप बैडमिंटन सीजर कप फुटबॉल सुब्रतो कप फुटबॉल डेविस कप लॉन टेनिस उबेर कप बैडमिंटन चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगा क्रिकेट डूरन कप फुटबॉल बैटन कप हॉकी एसएच कप क्रिकेट विल्स ट्रॉफी क्रिकेट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल यूरो कप फुटबॉल एशिया कप क्रिकेट एजरा कप पोलो वाकर कप गोल्फ और होलकर कप ब्रिज ठीक उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग दो और बच गया है अगला है राइडर कप गोल्फ मर्डेका कप फुटबॉल उसके बाद है खेलों से संबंधित शब्दावली यानी कौन सा खेल में कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में देखिए पहला है गूगली चाइना मैन या सेंड्रिज हो जाएगा क्रिकेट में ड्रिबल बुकिंग थ्रो थ्रो इन फ्लैक हो जाएगा फुटबॉल अगला है बुली स्कूप या फिर ड्रिबल डी हॉकी ड्यूस कोर्ट डबल फॉल्ट स्मैश लॉन टेनिस में हो जाएगा उसके बाद है गैम्बिट चेकमेट नाइट या फीडे ये सब किस्म होता है शतरंज में होता है उसके बाद होगा डबल डबल नैंसल ठीक है उसके बाद डॉग फॉल इ, हीव, ये सब कुछ किस्म होगा कुश्ती में होगा आगे देखते हैं टी कैडी टी होगा कैडी होगा चाहे आयरन जिगर ये सब किस्म होता है गोल्फ में अस्लैम रिगबॉक डमी ग्रैंड स्लैम ब्रिज में नॉकआउट डॉन पंच बेल्ट ब्लो ये सब होता है मुक्केबाजी में बटरफ्लाई फ्री स्टाइल ब्रेड स्टॉक हो जाएगा तैराकी में आगे देखते हैं हम लोग डबल डच या इस्मैस डबल डच स्मैश लव नेट ड्यूस ये सब हो जाएगा बैडमिंटन क्यू डी जिगर सेंट्री स्पॉट ये सब होगा बिलियार्स में स्मैश डबल हीट नेट uh, फॉल्ट ये सब होगा वॉलीबॉल में चेंज कासले चेंजर एक, एक्टिव ये सब हो जाएगा खो खो में होम डायमंड पीचर होम रन ये सब हो जाएगा बेसबॉल में अगला देखते हैं देखिए अगला आगे है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी लिंबाराम तिरंजाजी गगन नारायण अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी निशा मिलेट तैराकी कर्ण मलेश्वरी तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलन संजय घोरपड़े या अस्मिता देसाई टेबल टेनिस महेश भूपति या सान्या मिर्जा लॉन टेनिस विश्वनाथन आनंद कोनेरू या फिर हम्पी ये सब होगा शतरंज में ठीक है उसके बाद देखते हैं कि गोपीचंद चंद साइना नेहवाल यह सब बैडमिंटन हो जाएगा गीत सेठी पंकज आडवाणी बिलियार्स खेलते हैं माइकल टायसन या हो जाएगा विजेंद्र सिंह हो जाएगा मुक्केबाजी ठीक है आगे देखते हैं हम लोग टाइगर वुड्स अर्जुन अटवाल हो जाएगा गोल्फ सुनील कुमार या फिर राम इस ये सब जगह कुश्ती अगला है विभिन्न खेल विभिन्न खेल में खिलाड़ी एवं संख्या विभिन्न खेल में खिलाड़ी एवं संख्या आगे तो देखते हैं देखिए पहला है क्रिकेट में ग्यारह खिलाड़ी हॉकी में भी ग्यारह खो खो में नौ खिलाड़ी कबड्डी में सात खिलाड़ी पोलो में चार लॉन टेनिस में एक या दो बैडमिंटन में एक या दो फुटबॉल में ग्यारह बेसबॉल में नौ वाटर पोलो में सात वॉलीबॉल में छः बास्केटबॉल ने पाँच और टेबल टेनिस में एक या दो और रग्बी फुटबॉल में पंद्रह ठीक चलिए आगे देखते हैं हम लोग खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान क्या कहाँ पे है उसके बारे में है ठीक है जिम खाना इस्टेडियम मुंबई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई फिरोज सा कोटला मैदान जिसको हम लोग उसका नाम चेंज कर दिया गया है ठीक है अरुण जेटली कर दिया गया तो कहाँ पे है दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ ग्रीन पार्क का स्टेडियम कानपुर ब्लैक हित या फिर ब्लेम स्टेडियम ब्ले ये सब होगा लंदन में लाडस बुकले ब्रुकलैंड इप्सम ये सब होगा लंदन में गदापी स्टेडियम लाहौर में आगे देखते हैं इडन गार्डन या नेताजी स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा कोलकाता न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग उसके बाद है हैंडग्ले हो जाएगा लार्ड्स चिन्ना स्वामी स्टेडियम हो जाएगा बंगलोर किरण स्टेडियम जमशेदपुर और सिंह रूप स्टेडियम ग्वालियर ठीक है आगे है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान देखिए मान बुकर पुरस्कार 1969 से देना शुरू हुआ था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में छः छे क्षेत्रों में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार उन्नीस से देना शुरू हुआ विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार उन्नीस से देना शुरू हुआ फिल्म के क्षेत्र में मैक्सेस पुरस्कार उन्नीस सौ से देना शुरू हुआ सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार उन्नीस से देना शुरू हुआ संगीत के क्षेत्र में मिस वर्ल्ड उन्नीस से देना शुरू हुआ संयुक्त क्या होगा कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ठीक है मिस मिस वर्ल्ड जो है उन्नीस से देना शुरू हुआ सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को मिस यूनिवर्स उन्नीस सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को भारत रत्न उन्नीस सौ चौवन असाधारण उपलब्धि के लिए <coughs> सॉरी उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्नीस सौ पैंसठ साहित्यकार को अर्जुन पुरस्कार उन्नीस सौ इकसठ खिलाड़ियों को द्रुआचार्य पुरस्कार उन्नीस सौ पचासी खेल प्रशिक्षकों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्नीस सौ उनहत्तर सिनेमा के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार उन्नीस विज्ञान के क्षेत्र में पुलिज्जर पुरस्कार उन्नीस हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में ठीक है चलिए अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख त्यौहार भारत के प्रमुख त्यौहार हो जाएगा देखिए दुर्गा पूजा कहाँ पे फेमस है पश्चिम बंगाल में पोंगल तमिलनाडु सरहुल झारखंड बिहू असम छठ बिहार और ओणम केरल ठीक है आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हरित क्रांति खदान उत्पादन से नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रजत अंडा गोल क्रांति आलू उत्पादन से श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से लाल क्रांति मांस उत्पादन से गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से ठीक है आगे देखते हैं हम लोग चट्टानों का वर्गीकरण देखिए अगले चट्टान के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा ग्रेनाइट बेसाल्ट डायोराइट उसके बाद है कायांतरित में कौन कौन सा हो जाएगा नीस जो कि ग्रेनाइट से होता है ठीक है संगमरमर जिससे चूना पत्थर से निकालते हैं क्वारजाइड सिलिका से निकालते है ग्रेफाइट कोयला से अगला है औसादी औषादी चढ़ाने में कौन कौन सा हो जाएगा चूना पत्थर बलुआ पत्थर और फिर कोयला ठीक है चलिए आगे देखते हैं शब्द संक्षिप्त का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग उसको देखिए पहला है एस आई एम पहला है एस आई एम तो हो जाएगा सब्सक्राइबर एन मॉड्यूल क्राई का हो जाएगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू यू का होगा यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन आर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम अगला है सार्स अग इसका हो जाएगा सीवियर एक्यूट रिस्परेटरी सिंड्रोम ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन एस एम एट सॉर्ट मैसेंजिंग सर्विस हो जाएगा शॉर्ट मैसेंजिंग सर्विस हो जाएगा एड्स का हो जाएगा एक्वाइड एमिनो डिफिशेंसी सेंड्रोम एच हो जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सी सैट का हो जाएगा सिविल सर्विसेस एप्टीट्यूड टेस्ट वेट का हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स एच आई वी का होगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस एस टी डी सब्सक्राइबर ट्रांस डालिंग आई एस डी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डालिंग पी सी ओ पब्लिक कॉल ऑफिस पी टी आई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सीडिया में कोर्ड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिस एम आर आई रेजिडेंस इमेजिंग टी आर पी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट टी आर पी का हो जाएगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट आगे देखते हैं हम लोग डी टी पी डेस्कटॉप पब्लिकेशन एम एन पी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्राई का हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी एस एम का हो जाएगा ग्रुप ने ग्रुप स्पेस मोबाइल बी एस एन एल भारत संचार निगम लिमिटेड एम टी एन एल हो जाएगा महा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड आईआरसीटीसी हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईपीओ हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर उसके बाद है सेबी का हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ए का हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो सी का हो जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसके बाद है सी का फुल फॉर्म बोल रहा है देखिए सी का होगा कंप्रहेसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी ई का होगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ई का हो जाएगा इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राफ ई वी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एफ आई आर को हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी एल एस आई का हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई डबल एस का हो जाएगा इंटरने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई ई एस को हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डी एन एस को हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम आई एफ एस को जाएगा इंडियन इंडियन फॉरेस्ट फॉरन सर्विस आई पी एस को जाएगा इंडियन पुलिस uh, या फिर पोस्टल सर्विस आगे देखते हैं आईपीसी का आईपीसी का हो जाएगा इंडियन पैनल कोड आईएसओ का को हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी का हो जाएगा अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज क्लासेस पिन का हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर डब्ल्यू का हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब एच टी एम एल को जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच टी टी पी को हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर टी आई को हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन और रो को हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ठीक है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चलिए आगे देखते हैं अठारह क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कौन थे उसके बारे में ठीक है चलिए बिहार साइड से कौन थे तो कुंवर सिंह लखनऊ से बेगम हजरत महल कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई दिल्ली से बहादुर से द्वितीय इलाहाबाद से लिकायत अली और फतेहपुर सिकरी से अजय मुला उसके बाद बरेली से खान अब्दुल गफार खान उसके बाद अठारह सौ के क्रांति के ब्रिटिश सेनापति कौन थे उसके बारे में ठीक है बिहार में कौन थे तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर लखनऊ में थे कैंपवेल कानपुर में भी कैंपवेल झांसी में हीरोज दिल्ली में निकोलसन हडसन और फिर है इलाहाबाद में जनरल नील और फतेहपुर में है जनरल रेंडल ठीक है जनरल रेनर्ड आगे देखेंगे अठारह सॉरी अठारह सौ क्रांति के दौर क्रांति के विद्वान के मत कौन कौन से उसके बारे में कौन क्या बोले हैं अठारह सौ सत्तावन के बारे में उसके बारे में है ठीक है देखिए पहला जो है आ, सैनिक विद्रोह सैनिक विद्रोह कौन बोला था तो देखिए सैनिक विद्रोह कौन बोला था सर जॉन लॉरेंस या और सीले भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कौन बोला था वी सावरकर अगला है बरबरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कौन बोला था टी आर होम्स हिंदू मुस्लिम षडयंत्र जेम्स आल्ट्रा वेलर राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था तो बेंजामिन डिजराइली ना ही राष्ट्र ना ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने बोला आरसी मजूमदार ठीक है आगे देखते हैं हम लोग तो अगला है धर्मांधो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन बोला था एल ई -E आर रिज ठीक है रिज बोला था सिंपल सा याद रखें रिज ठीक है आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख जल डमरूमद ठीक है उसके बारे में बताना देखिए बेरिंग अलास्का अमेरिका एवं रूस के बीच पाक जल्द मरूमा भारत और श्रीलंका के बीच जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच डोवर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फ्लोरिडा तो हो जाएगा अमेरिका तथा क्यूबा के बीच आगे देखते हैं प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियाँ कौन सी है उसके बारे में बताना है तो पीटीआई और यूएनआई हो जाएगा भारत का अंतारा जो है इंडोनेशिया का ए और यू हो जाएगा अमेरिका का बाबरनामा हो जाएगा मलेशिया का सॉरी बाबरनामा नहीं है बरनामा है क्या हो जाएगा मलेशिया का उसके बाद है एफ पी हो जाएगा फ्रांस का वफा जो हो जाएगा फिलिस्तीन का मैना जो हो जाएगा मिस्र का डी पी ए हो जाएगा जर्मनी का यू पी पी हो जाएगा पाकिस्तान का सिनहुआ जो है चीन का ताश जो होगा रूस का राइटस ब्रिटेन अंसा इटली इरना ईरान नवादस्की रूस इतिम इज़राइल ए डबल ए, 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 ए पी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और एस एस का हो जाएगा बांग्लादेश बी एस एस का हो जाएगा बांग्लादेश ठीक है आगे देखते हैं प्रमुख नारे से संबंधित प्रश्न प्रमुख वचन और नारे से संबंधित प्रश्न करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी हु लिव इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती स्वराज हमारा जनसीध अधिकार है तो ये किसने बोला था बाल गंगाधर तिलक सारे जहां से सा, अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल दिल्ली चलो या फिर जय हिंद जय हिंद हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस साइमन कमीशन वापस जाओ लाल लाला लाजपत राय सर फड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो राम प्रसाद बिस्मिल उसके बाद हो जाएगा एव जयते हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी ठीक है चलिए आगे देखते हैं हे राम हे राम किसका हो जाएगा महात्मा गांधी वंदे मातरम बंकिम चंद चटर्जी जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हो जाएगा भरतेंदु हरिचंद आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने बोला था अटल बिहारी वाजपेयी यह एक डूबते बैंक का अंतिम तिथिक चेक है किसने कहा था महात्मा गांधी ठीक है आगे देखते हैं मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पूछना है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल ढींगरा ने कहा था संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण और जय जगत तो विनोबा भावे ठीक है जय जगत विनोबा भावे अगला है देश के बीच संपूर्ण सीमा रेखाएं मैकमोहन रेखा भारत चीन रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड चौबीसवीं समांतर चौबीसवीं अक्षांश रेखा तो भारत पाकिस्तान ठीक है उसके बाद है अड़तीसवीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया उनचासवीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा सतरहवीं अक्षांश तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम ठीक है आगे देखते हैं मैगिनॉट या फिर सिख फ्राइड तो हो जाएगा जर्मनी फ्रांस ऑर्डर नीस हो जाएगा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड उसके बाद है मेडिस ए, मेडिसन रेखा तो हो जाएगा अमेरिका और कनाडा मैन रहीन रेखा तो रूस और फिनलैंड हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ कहाँ थी उसके बारे में है अगर पहला क्वेश्चन है वंश तो से जागा बिन्बिसार ठीक है हरियकवंश सुजागा हरियकवंश सुजागा बिन्नबिसार मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र सुंग वंश पुषमित सुंग पाटलिपुत्र सतवाहन सिमुख प्रतिष्ठान जो लास्ट में बोल रहे हैं वो राजधानी को बता रहे हैं ठीक है थीके? गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र पुष्पभूति वंश पुष्पभूति ने इसका स्थापना किया था थानेश्वर या कन्नौज में राजधानी बनाई थी गढ़वाल तो चंद्रदेव वाराणसी पल्लव वंश शिव विष्णु कांची चोल वंश विज्यालय तंजौर ठीक है आगे देखते हैं राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग राष्ट्रूट दंतीदुर्ग मानखेट गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी किलोखरी तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लोदी वंश भालो लोधी हो जाएगा दिल्ली और आगरा चोल वंश विद्यालय तंजौर होसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र भमणनी वंश हसन गंगू गुलबर्गा वंश गोपाल मुंगेर हो जाएगा चौहान वंश वासुदेव अजमेर वंश वासुदेव अजमेर चलिए आगे देखते हैं सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल ठीक है नदी उत्खनन करता और ईसवी है उसका देखिए पहला है हड़प्पा जो पाकिस्तान में पड़ता है नदी है रावी दयान सरस्वती उन्नीस सौ मोहनजाद्रोह पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी किनारे है और राखल दास बनर्जी उन्नीस सौ बाईस उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी कालीबंगा राजस्थान जो घगल नदी पर है उत्खनन करता बीबी -बी, लाल और वीके के थापर है उन्नीस सौ तिरपन हो जाएगा चनूद्रोह ये भी पाकिस्तान में है तो नदी हो सिंधु गोपाल मजूमदार ये उत्खनन करता होगा उन्नीस सौ इकतीस हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है लोथल <coughs> आगे है लोथल जो कि भोगवा नदी पर है तो हो जाएगा इसका ये गुजरात में है और उसके बाद है रंगनाथ राव उन्नीस से बासठ रोपड़ हो जाएगा पंजाब सतलज नदी पर यगदत्त शर्मा उन्नीस से छप्पन चलिए आगे देखते हैं बुद्ध संगतियाँ ठीक है प्रमुख बुद्ध संगतियाँ देखते हैं तो प्रथम हो जाएगा चार सौ तिरासी ईस्वीपुर गिरी राजगिरी अजाशत्रु द्वितीय हो जाएगा तीन सौ तिरासी ईस्वीपुर हो जाएगा वैशाली और कालाशोक द्वितीय हो जाएगा पाँच सौ पचपन तो हो जाएगा पाटलिपुत्र अशोक चतुर्थ हो जाएगा ई की यहाँ पे जो है यहाँ पे चतुर्थ जो है वो ईस्वी यहाँ पे दिया है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हो जाएगा स्थान कुंडलवन कश्मीर और श्सनकाल था कनिष्क